क्रियाकलाप दो, मनुष्यों का अवलोकन। इस क्रियाकलाप में हम मनुष्य के विभिन्न शारीरिक लक्षणों का अवलोकन करेंगे। आज स्कूल जाना है, साइंस प्रैक्टिकल है। हाँ, हाँ, स्कूल जाना है। अरे वाह बच्चों, क्या कर रहे हो आप लोग? कृष्णी वैद्य बात कर रहे थे। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे अपने नाम बताओ आप लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नियति है। तुम्हारा? मेरा नाम चीनू है। मेरा नाम चिक्की है। आदित्य। ओके, अरे वाह। चलो आज हम लोग आप सभी के वजन, लंबाई, आपकी हथेली की लंबाई चौड़ाई, अंगूठे के निशान, इन सब का मापन करते हैं। इसके लिए आप लोगों को मैं एक एक पेज पेन देती जा रही हूँ। इसमें आप लोगों को करना क्या है, जब हम आपकी लंबाई और वजन आदि का मापन करेंगे तो आप इनमें उसे क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो चले। हाँ। तो बच्चों चलो पहले हम शुरुआत करते हैं वजन के मापन से। ठीक है, आप लोगों के पास पेजेस हैं। हाँ। पेजेस में अपने अपने नाम लिख लीजिए और जैसे ही हम वजन का मापन आपका लेते जाएंगे उसे उसमें नोट करते जाना। तो चिनू पहले आपसे शुरुआत करें। हाँ, चलिए आइए। तो तीनों का वजन आया है 45.8 किलोग्राम। ठीक है, आदि आप आ जाएं। आदि का वजन है 54 किलोग्राम। चलिए चिकी। और चिकी का वजन है 54 किलोग्राम। अब बारी आती है नियति की। चलो चलो, इसका भी वजन देखेंगे। हाँ हाँ, नियति का वजन है 40.4 किलोग्राम। चलिए सबने अपने 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 वजन मापन कर लिया। हाँ, नोट कर लिया उसे। हाँ, तो चलो बच्चों अब तुम्हारी लंबाइयों का मापन करते हैं। ठीक है। हाँ, देखो इसके लिए हमने यहाँ एक स्केल बनाई हुई है, 3 फीट, 4 फीट और 4 फीट 6 इंच से लेकर 5 फीट 6 इंच तक। ठीक है, इसके लिए भी शुरुआत चिनू तुमसे करें। ठीक है, चलो आ जाओ चिनू। ओके, चिनू बदमाशी नहीं। चलो ठीक से खड़े हो चिनू। चलो हटो तू। चिनू की लंबाई आई है 4 फुट 10 इंच। चलो आदि अब तुम्हारी बारी। ये तो मुझसे भी लंबा है। चलो आदि की लंबाई है 5 फुट 4 इंच। नेक्स्ट बारी आती है चिकी की। चलो चिकी। हो गया आपका काम। तो चिकी की लंबाई मिल रही है हमें 5 फुट 1 इंच। और लास्ट में नीति, कम ऑन। चिकी की लंबाई भी उतनी ही आ रही है। चलो देखते हैं, चिकी की लंबाई भी वही है 5 फुट 1 इंच। तो चलो बच्चों अब हम तुम सभी की हथेलियों की लंबाई और उसकी चौड़ाई नापते हैं। ठीक है, तो चलो चिनू पहले अपना हाथ सामने लाओ। चिनू की लंबाई, हथेली की लंबाई है 16 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई हथेली की है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा चलो तुम्हारी तर्जनी उंगली भी नाप लेते हैं। ये है 6 सेंटीमीटर। चलो नोट कर लो चिन्हा। आदि आप अपना हाथ सामने लाएं। आदि की हथेली तो बहुत लंबी है भाई, ये है 18 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई देखें, ये है 8 सेंटीमीटर। तुम्हारी तर्जनी उंगली ये है 7 सेंटीमीटर। चलो चिकी तुम आ जाओ। चिकी की हथेली की लंबाई है 15.5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई हथेली की है 6.5 सेंटीमीटर। लाओ तुम्हारी तर्जनी उंगली भी माप लें, ये है 6 सेंटीमीटर। चलो नियति तुम्हारी बारी। नियति की हथेली की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 7.7 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी तर्जनी उंगली नाप ली जाए, ये है 7 सेंटीमीटर।
सभी अपने अपने हथेली की लंबाई चौड़ाई और तर्जनी उंगली की लंबाई नोट कर लो। बच्चों आप लोगों को पता है हम सभी के हाथों के अंगूठे के निशान अलग अलग होते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ। कि हम सबके हाथों के अंगूठों के निशान अलग अलग होते हैं? हाँ चलो करके देख ले। हाँ, हाँ, चलो चीनू तुमसे शुरुआत करते हैं। यहाँ से अंगूठा हाँ इसे लगाओ। वेरी गुड। चलो आदि वेरी गुड। चलो चिक्की अब तुम्हारी बारी। वेरी नाइस। चलो नीति वेरी गुड। तुम सभी के अंगूठे के निशान अलग अलग हैं। चिक्की तेरा दिखाओ। मैम हम दोनों का तो एक जैसा ही है। बेटा इसे पहले लेंस से बारीकी से देखना होता है तभी हम इसका अंतर समझ पाते हैं। चिक्की और चीनू की तरह जितने भी मनुष्य हैं, उनके अंगूठे के निशान अलग अलग होते हैं। तो इस क्रियाकलाप से हमने यह देखा कि एक ही जाति के सदस्यों में समानता के साथ साथ अंतर भी पाए जाते हैं। इन्हीं अंतर को हम विभिन्नताएं कहते हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही हम एक ही जाति के सदस्यों को व्यक्तिगत स्तर पर पहचान पाते हैं।